चूहा चैनल कार्टून सेंचर। शेर और चूहा। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में है। अफ्रीका के जंगल में एक शेर अपने खानदान के साथ रहता था। शेर जंगल का बादशाह होने की वजह से खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसे अपने आगे हर जानवर बेकार और छोटा नजर आता। एक दिन शेर ने एक तगड़ा हिरन शिकार किया और पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसे खूब नींद आई। शेर अपने पंजों पर सर रखकर सो गया। उसे ख्वाब में भी हिरन नजर आ रहा था। अचानक वहां से एक डरपोक चूहा गुजरा। चूहे ने बहुत कोशिश की कि शेर को इसके वहां से गुजरने का पता ना चले, मगर सरसराहट पर शेर की आंख खुल गई। शेर ने आई कंगड़ाई ली, इधर उधर देखा और जोर से चिंघाड़ा, कौन गुस्ताख है जो इस वक्त हमें आराम नहीं करने दे रहा। चूहे ने शेर को जागते हुए देखा तो उसे अपनी जान की फिक्र हुई। शेर की आवाज इस कदर खौफनाक थी कि उसे अपना हल्क खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। इसने सोचा कि शेर अब इसको माफ नहीं करेगा। फिर चूहे को ख्याल आया कि जान बचाने का अब एक ही तरीका है, और वो ये कि वो यहाँ से भाग जाए। इतने में शेर की नजर उस पर पड़ गई। चूहा दबे एक कदम वहां से भागने ही लगा था कि शेर ने अपना पंजा इसकी दुम पर रख दिया। शेर का भारी भरकम पंजा चूहे की दुम पर पड़ना था कि चूहे की चीख निकल गई। डर के मारे इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बहुत हिम्मत करके चूहे ने मिन्नत की, शेर बादशाह मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने से मेरा क्या फायदा होगा, शेर ने बेरहमी से कहा। शेर बादशाह, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर इसका सिला दूंगा। ये सुनकर शेर ने कहका लगाया और बोला, तुम इतने छोटे से चूहे हो, तुम मुझे क्या सिला दोगे, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। बच्चों, असल में शेर का पेट भरा हुआ था और वो चूहे को खाना नहीं चाहता था, इसलिए उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। जैसे ही शेर ने चूहे को छोड़ा, चूहा तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। बच्चों, वक्त गुजरता रहा। चूहा अपने बिल की मुरम्मत में मसरूफ हो गया और शेर अपने शिकार करता रहा। दोनों के जहन से ये वाक्या निकल गया। अगले साल उन्हीं दिनों में शेर जंगल में उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी और हब्स के दिन थे। शेर को कई रोज से शिकार नहीं मिला था। भूख और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। शेर अपने ध्यान में था कि इसे अपने पांव में कोई चीज फंसी हुई महसूस हुई। असल में उस जगह एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। थोड़ी देर बाद एक जाल उस पर आ गिरा। शेर उस जाल में फंस गया। उसने गुस्से में धाड़ना शुरू कर दिया। चूहे का बिल इसी जगह के करीब था। चूहे को जब उसकी आवाज सुनाई दी तो वो मदद के लिए फौरन भागा। जब चूहा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर जाल से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। चूहा फौरन जाल के पास गया और जाल कुतरने लगा। शेर खामोशी और हैरत से चूहे को तेजी से जाल काटता हुआ देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद शेर जाल से आजाद हो गया। शेर के आजाद होते ही चूहे ने कहा, तुम्हें याद है मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा। उस वक्त तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मगर देख लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अच्छे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। शेर और चूहा। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में है। अफ्रीका के जंगल में एक शेर अपने खानदान के साथ रहता था। शेर जंगल का बादशाह होने की वजह से खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसे अपने आगे हर जानवर बेकार और छोटा नजर आता। एक दिन शेर ने एक तगड़ा हिरन शिकार किया और पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसे खूब नींद आई। शेर अपने पंजों पर सर रखकर सो गया। उसे ख्वाब में भी हिरन नजर आ रहा था। अचानक वहां से एक डरपोक चूहा गुजरा। चूहे ने बहुत कोशिश की कि शेर को इसके वहां से गुजरने का पता ना चले, मगर सरसराहट पर शेर की आंख खुल गई। शेर ने आई कंगड़ाई ली, इधर उधर देखा और जोर से चिंघाड़ा, कौन गुस्ताख है जो इस वक्त हमें आराम नहीं करने दे रहा। चूहे ने शेर को जागते हुए देखा तो उसे अपनी जान की फिक्र हुई। शेर की आवाज इस कदर खौफनाक थी कि उसे अपना हल्क खुश्क होता हुआ महसूस हुआ।
इसने सोचा कि शेर अब इसको माफ नहीं करेगा। फिर चूहे को ख्याल आया कि जान बचाने का अब एक ही तरीका है और वो ये कि वो यहाँ से भाग जाए। इतने में शेर की नजर उस पर पड़ गई। चूहा दबे एक कदम वहां से भागने ही लगा था कि शेर ने अपना पंजा इसकी दुम पर रख दिया। शेर का भारी भरकम पंजा चूहे की दुम पर पड़ना था कि चूहे की चीख निकल गई। डर के मारे इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बहुत हिम्मत करके चूहे ने मिन्नत की, शेर बादशाह मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने से मेरा क्या फायदा होगा, शेर ने बेरहमी से कहा। शेर बादशाह मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर इसका सिला दूंगा। ये सुनकर शेर ने कहका लगाया और बोला, तुम इतने छोटे से चूहे हो तुम मुझे क्या सिला दोगे, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। बच्चों असल में शेर का पेट भरा हुआ था और वो चूहे को खाना नहीं चाहता था, इसलिए उसके दिल में थोड़ी सी हमदर्दी आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। जैसे ही शेर ने चूहे को छोड़ा, चूहा तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। बच्चों वक्त गुजरता रहा, चूहा अपने बिल की मुरम्मत में मसरूफ हो गया और शेर अपने शिकार करता रहा। दोनों के जहन से ये वाक्या निकल गया। अगले साल उन्हीं दिनों में शेर जंगल में उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी और हब्स के दिन थे, शेर को कई रोज से शिकार नहीं मिला था, भूख और कमजोरी से उसका बुरा हाल था। शेर अपने ध्यान में था कि इसे अपने पांव में कोई चीज फंसी हुई महसूस हुई। असल में उस जगह एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। थोड़ी देर बाद एक जाल उस पर आ गिरा, शेर उस जाल में फंस गया। उसने गुस्से में धाड़ना शुरू कर दिया। चूहे का बिल इसी जगह के करीब था। चूहे को जब उसकी आवाज सुनाई दी तो वो मदद के लिए फौरन भागा। जब चूहा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शेर जाल से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। चूहा फौरन जाल के पास गया और जाल कुतरने लगा। शेर खामोशी और हैरत से चूहे को तेजी से जाल काटता हुआ देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद शेर जाल से आजाद हो गया। शेर के आजाद होते ही चूहे ने कहा, तुम्हें याद है मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे काम आऊंगा, उस वक्त तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मगर देख लो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अच्छे बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को कमजोर और बेकार नहीं समझना चाहिए। शेर और चूहा। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में है। अफ्रीका के जंगल में एक शेर अपने खानदान के साथ रहता था। शेर जंगल का बादशाह होने की वजह से खुद को बहुत ताकतवर समझता था। उसे अपने आगे हर जानवर बेकार और छोटा नजर आता। एक दिन शेर ने एक तगड़ा हिरन शिकार किया और पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसे खूब नींद आई। शेर अपने पंजों पर सर रखकर सो गया। उसे ख्वाब में भी हिरन नजर आ रहा था। अचानक वहां से एक डरपोक चूहा गुजरा। चूहे ने बहुत कोशिश की कि शेर को इसके वहां से गुजरने का पता ना चले, मगर सरसराहट पर शेर की आंख खुल गई। शेर ने आई कंगड़ाई ली, इधर उधर देखा और जोर से चिंघाड़ा, कौन गुस्ताख है जो इस वक्त हमें आराम नहीं करने दे रहा। चूहे ने शेर को जागते हुए देखा तो उसे अपनी जान की फिक्र हुई। शेर की आवाज इस कदर खौफनाक थी कि उसे अपना हल्क खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। इसने सोचा कि शेर अब इसको माफ नहीं करेगा। फिर चूहे को ख्याल आया कि जान बचाने का अब एक ही तरीका है और वो ये कि वो यहाँ से भाग जाए। इतने में शेर की नजर उस पर पड़ गई। चूहा दबे एक कदम वहां से भागने ही लगा था कि शेर ने अपना पंजा इसकी दुम पर रख दिया। शेर का भारी भरकम पंजा चूहे की दुम पर पड़ना था कि चूहे की चीख निकल गई। डर के मारे इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बहुत हिम्मत करके चूहे ने मिन्नत की, शेर बादशाह मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ने से मेरा क्या फायदा होगा, शेर ने बेरहमी से कहा। शेर बादशाह मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं तुम्हें एक दिन जरूर इसका सिला दूंगा। ये सुनकर शेर ने कहका लगाया और बोला, तुम इतने छोटे से चूहे हो तुम मुझे क्या सिला दोगे, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। मैं हूँ चूचू, पशु चूचू से मिलने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करने मत भूलिएगा।
चूहे को छोड़ा, चूहा तेजी से दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। बच्चों, वक्त गुजरता रहा, चूहा अपने बिल की मुरम्मत में